हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत 4 o'clock के फ्लावर्स के साथ, जो कि इवनिंग में खिलते हैं लेकिन अर्ली मॉर्निंग है। अभी काफ़ी सुबह का टाइम है, 6:30 बजे है, इसलिए ये फ्लावर अभी आपको देखने को मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला आ रहा है और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट में है। और आज का वीडियो एक्चुअली विंटर के कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि अभी लगाए जाते हैं या विंटर में हैवी फ्लावरिंग करते हैं, इस पे है। तो काफ़ी दिनों से ये वीडियो बनाना है, लेकिन ये वीडियो के बारे में सोच के ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि विंटर पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है कि समझ नहीं आता है कि किस किस प्लांट का नाम लूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताऊँगी जो कि होम गार्डनिंग के लिए, यानी कि जैसे हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी गार्डनिंग के लिए या घरों में पॉट्स में लगाने के लिए बेस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो जी हाँ, जरबेरा भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि किस तरह से इन्हें प्रिपेयर करना है, मेरा लास्ट वीडियो इसी पे ही है। तो पहला प्लांट मैं ले रही हूँ जरबेरा। जरबेरा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं विंटर में। मैं यहाँ पे आपको कुछ फ्लावर दिखा रही हूँ और कुछ के मैं पिक्स लगा दूँगी ताकि आपको देख के समझ आए कि ये फ्लावर का नाम ये है, ताकि आप उसे पहचान सकें और नर्सरी से परचेज़ कर रहे हैं अगर आप, तो उसे देख के कर सकें। तो दूसरा जो विंटर बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो है गेंदा, मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड की कुछ वेराइटीज़ समर में भी ग्रो की जाती हैं, लेकिन ये विंटर के हैं बड़े बड़े गेंदा, तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिसैंथेमम, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं विंटर में। और ये है कैलेंडुला, कैलेंडुला भी बहुत सुंदर लगते हैं मैरीगोल्ड के जैसे, इसमें भी कुछ वेराइटीज़ आती हैं। और इसके बाद है डहलिया, डहलिया भी बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं इनके, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी बड़े फ्लावर आते हैं इन पे, काफ़ी कलर्स भी आते हैं। इसके बाद है जीनिया, जीनिया के कुछ वैरायटी समर में भी ग्रो की जाती हैं, और जो ड्रॉप वैरायटी के आते हैं वो विंटर के आते हैं, लेकिन जो ड्रॉप वैरायटी वाले होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं, लेकिन जो समर वाले प्लांट होते हैं वो काफ़ी हार्डी होते हैं और वो विंटर तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। यानी कि आप अगर लो मेंटेनेंस प्लांट चाहते हैं तो जीनिया को ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छे होते हैं। और इसके बाद है पेंजी वायला, और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई हो, इसे बटरफ्लाई फ्लावर भी कहा जाता है, इसे कॉमन लैंग्वेज में तितली फूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखता ही तितली के जैसे, जिस तरह तितली में काफ़ी सारे कलर होते हैं ये भी कुछ इसी तरीके से दिखता है। दोस्तों, इसके बाद है विंटर गार्डन की जान पिटूनिया। पिटूनिया के बारे में क्या ही कहना, इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है इनमें कि बस पूछो ही मत, और इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं इनके और काफ़ी सारे होते हैं एक साथ, बहुत ही बेस्ट होते हैं, आई थिंक हर गार्डनर के फेवरेट होते हैं पिटूनिया। इसके बाद है दोस्तों डाइंथस, डाइंथस भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, काफ़ी सारे कलर आते हैं इनमें, काफ़ी तरह के पैटर्न्स होते हैं लीव्स में, और इनमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर आते हैं। डाइंथस और कार्नेशन लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, इनकी केयर भी एक ही जैसी होती है, एक ही फैमिली से है, और कार्नेशन में बस इतना होता है कि उसकी मल्टी पेटल्स होती हैं और डाइंथस में सिंगल पेटल्स या मल्टी डबल पेटल्स में आते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं कार्नेशन या डाइंथस। इसके बाद है जिरेनियम, जिरेनियम काफ़ी खूबसूरत लगते हैं एक साथ, छोटे छोटे से फ्लावर मिलके एक साथ एक बड़ा बंच बनाते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं, इनमें भी कलर काफ़ी सारे आते हैं, वाइट पिंक काफ़ी सारे कलर आते हैं। इसके बाद है डॉग फ्लावर, ये काफ़ी क्यूट से लगते हैं और इन्हें एंटीराइनम भी कहते हैं, और इनका ये काफ़ी सारे गुच्छे में ऐसे स्टॉक निकलता है, लंबा सा स्टॉक स्पाइक सा निकलता है, उस पर इन काफ़ी सारे फ्लावर एक साथ होते हैं, इन्हें हल्का सा जब दबाते हैं तो इनका मुँह ओपन होता है, इसलिए इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। ये है एस्टर, और ये डेजी फैमिली से है, डेजी के की ही वैरायटी है, और काफ़ी सारी
फ्लावरिंग होती है इनमें भी। और ये है लेंटाना, लेंटाना भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और कैसे भी लगाओ ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और ये है यूफोर्बिया मिली, ये इनमें भी विंटर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी आपको। इन्हें क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पूरे स्टेम पे कांटे होते हैं कुछ इस तरह से, इसलिए। ये है दोस्तों एलाइसम, एलाइसम पे बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर आते हैं लेकिन काफ़ी सारे एक साथ खिल जाते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं ग्राउंड कवर के रूप में। ये है अडेनियम, अडेनियम में भी काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग होती है देख सकते हो, जैसे कि आप इसमें इनके बोनसाई भी बनाए जाते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर आते हैं और बड़े बड़े से फ्लावर होते हैं। इसके बाद है ये स्वीट पी फ्लावर, और ये भी मटर के फ्लावर की तरह ही दिखते हैं लेकिन इनमें काफ़ी कलर आते हैं और ये अलग है। ये है सिनेरेरिया, सिनेरेरिया भी काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। इसके बाद है डैफोड्रिल, डैफोड्रिल एक बल्बस प्लांट है और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद है वर्बीना, वर्बीना भी विंटर के अलग आते हैं समर के अलग आते हैं, समर के थोड़े हार्डी होते हैं लेकिन विंटर में जो आते हैं वो भी अच्छे होते हैं। ये है दोस्तों स्नो ड्रॉप्स, और ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ की बूंदें हों, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये भी। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट जो कि विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि विंटर में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, रोज़ है, हिबिस्कस है, लेकिन ये जो विंटर गार्डन के लिए ख़ास तौर पर माने जाते हैं ऐसे प्लांट मैंने आपको अभी बताए हैं। कुछ मुझसे छूट गए होंगे या कुछ के नाम आप जानते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।